नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं पोल कोड पोस्ट। आयकर विभाग के इन्वेस्टिगेशन विंग ने जबलपुर में 41-21 करोड़ रुपए के हवाला रैकेट का भांडाफोड़ किया है। इसे जबलपुर का रहने वाला अगरबत्ती और लोहा कारोबारी खूबचंद लालवानी पूरे देश में चला रहा था। वह 1 लाख रुपए भेजने के एवज में केवल 300 रुपए कमीशन लेता था। पिछले 6 साल में उसने 6.50 करोड़ रुपए का कमीशन कमाया। विभाग को प्रमाण के तौर पर ऐसी सैकड़ों एंट्रीज मिली है जिसमें 3 से 4 लाख रुपए से लेकर 20 करोड़ रुपए तक भेजे गए हैं। बता दें, यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हवाला रैकेट है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी जबलपुर के खिलौना व्यापारी के यहां से 1500 करोड़ रुपए का हवाला रैकेट पकड़ा गया था। आयकर विभाग के इन्वेस्टिगेशन विंग को 4 दिन पहले लालवानी के घर से 67 लाख रुपए मिले थे। इसके बाद लालवानी के कार्यालय में पड़ताल शुरू हुई। वहां लैपटॉप और रजिस्टर से भारी तादाद में नगद पैसा भेजे जाने के प्रमाण सामने आए। इसके बाद सर्वे को छापे में बदल दिया गया। लालवानी ने जो पैसे भेजे जाने का उल्लेख कागजों और लैपटॉप में दी गई लिस्ट में दिया था, उसका बाकायदा टैली में हिसाब रखा गया था। उसके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी से इन एंट्रीज के बारे में पूछताछ हुई, जिसमें उसने पैसे बाहर भेजने और कमीशन लेने की बात कबूली। कर्मचारियों ने बताया कि 1 लाख पर 300 रुपए कमीशन लेकर 6.25 करोड़ रुपए कमाए गए। अधिकारियों को आशंका है कि सारा लेन देन नगद में हुआ है, जिससे कई लेन देन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता में भी किया गया है। आशंका है कि नेताओं ने चुनाव में पैसे भेजने के लिए लालवानी के रैकेट का इस्तेमाल किया। इसकी जांच अलग से की जा रही है। जबलपुर के हवाला कारोबारी से 4000 करोड़ रुपए से अधिक पैसा हवाला के जरिए बाहर भेजे जाने के प्रमाण मिले हैं। बता दें, पुलिस और आयकर विभाग ने अब तक की कार्रवाई में 65 लाख की रकम जब्त की है। वही सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रैकेट में अब तक 2.65 करोड़ रुपए सरेंडर किए जा चुके हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पोल कोड पोस्ट को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट्स आपको मिलती रहेगी।